रेवाड़ी शहर के सौभाग्य से 19 मार्च से 23 मार्च तक श्री शिव महापुराण की कथा रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 स्थित 35 एकड़ की भूमि पर आयोजित की जा रही है। श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने आज सेक्टर 18 की उस भूमि पर जहां कथा का आयोजन किया जाना है वहां पर विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए सुनील मूसेपुर ने कहा कि 19 मार्च से 23 मार्च तक होने वाली शिव महापुराण कथा का आयोजन रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 की इस 35 एकड़ भूमि पर किया जाना है। मुहूर्त के हिसाब से यहां पर आज भूमि पूजन किया गया है, कल से यहां टेंट लगने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस 35 एकड़ भूमि पर जिस स्थान पर भूमि पूजन किया गया है यहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बैठने के मंच की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्किंग और खाने की व्यवस्था भी अलग से की जा रही है। सुनील मूसेपुर ने रेवाड़ी शहरवासियों से आह्वान किया कि वे भारी संख्या में यहां पहुंचकर भगवान शिव की कथा का आनंद लें। भूमि पूजन के अवसर पर शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज हमारी जो 19 तारीख को कथा होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा, उसका भूमि पूजन किया है क्योंकि कल से यहाँ टेंट लगना शुरू हो जाएगा। तो आज भूमि पूजन का मुहूर्त था और आज हमने वो भूमि पूजन किया है। सभी लोगों में बड़ा उत्साह है इस कथा को लेके और साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान होंगे रेवाड़ी में। तो मैं तो यही अपील करूँगा सारी रेवाड़ी की जनता से कि घर छोड़े 6 दिन के लिए, 19 से 23 तक घर छोड़ें और बाबा की कथा सुने और आनंद अपने जीवन में जीवन को निहाल करें और जीवन को बढ़िया दिशा में ले जाएं। क्या कुछ व्यवस्था होगी यहाँ पे, कहाँ क्या अलग कुछ लगाया जाएगा, ये जिस जमीन में हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पे स्टेज बनेगा बाबा का और सामने साफ जनता के बैठने के लिए होगा। ये करीब 35 एकड़ का पंडाल है, उसके बाद सामने भोजन व्यवस्था है, साइड में पार्किंग व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त होंगी। अनुमानित देखते हैं बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कितने लोगों की को ध्यान रखते हुए पंडाल लगाया जा रहा है? भगवान के भक्तों का कोई अनुमान नहीं होता, वो तो श्रद्धा होती है भक्तों की। सारा सैलाब जब रेवाड़ी शहर का उमड़ेगा, सारा इलाका उमड़ेगा, तो एक गिनती से परे होती है, भगवान के भक्तों की कोई गिनती नहीं होती, वो अनगिनत होते हैं। पर डे का जो कार्यक्रम है किस तरह से रहेगा, थोड़ी डिटेल्स बता दीजिए। सुबह ये रहेगा, दोपहर पे ये, फिर शाम को इस तरह क्या कुछ रहेगा? 1 बजे या 2 बजे से कथा शुरू होगी और 4 बजे या 5 बजे तक खत्म होगी, ये कथा का कार्यक्रम रहेगा। बाकी भगत अपनी भजन करेंगे बैठे। और सुबह का जैसे जो सुबह का यही ये जो कथा का टाइम है वो 1 से 4 या 2 से 5 अभी आ जाएगा टाइम, वो आया नहीं है अभी, वो जो भी टाइम होगा उस टाइम कथा होगी, बाकी टाइम अपने भगत। सुनने में आया है कि होली यही मनाई जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है। 23 तारीख की कथा खत्म होगी, 23 के बाद महाराज जी का जो आदेश होगा वो मान लेंगे। हम तो चाहते हैं यहाँ रह के होली मनाएं, पहली बार रेवाड़ी की धरती पे ऐसा होगा कि भगवान शिव के साथ आप सब लोग होली मनाएं।